दोस्तों उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के इस तरह से जोर शोर से खबरें चल रही हैं कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी, जबकि हम आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं सठियाओं में। और सठियाओं की बात करें, आजमगढ़ जिले की बात करें, तो आजमगढ़ जिले में सपा का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे अखिलेश यादव अभी फिलहाल सांसद रहे, लेकिन करहल में चुनाव जीतने के बाद वह विधायक बन गए करहल से। लेकिन यहाँ पे उनका उनके प्रतिबंधी यानी उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए धर्मेंद्र यादव जी आ गए हैं, और साथ साथ निरहुआ भी चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा से बात करें तो गुड्डू जमाली जी, यहाँ की स्थिति किस प्रकार होगी और किस तरह के लोगों के बातचीत करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ किसका मूड कैसा है और इस बार इस उपचुनाव में कौन आएगा। यहीं के रहने वाले हैं। कौन सा विधानसभा है आपका? पता है कि चुनाव है यहाँ पे? पता है चुनाव है यहाँ पे? चुनाव है। कब चुनाव है? 2022 वाला है ना। 2022 में कब चुनाव है? तो हुआ है एक तो चुनाव, तो विधानसभा वाला हुआ है। विधानसभा वाला फिर अब कब चुनाव है? 2022 वाला है अभी। 23 फरवरी को चुनाव है। 23 फरवरी हम बता दे रहे, 23 फरवरी देते हूँ बताइबा। तो बताइए आप। 23 जून को उपचुनाव होने जा रहे हैं और 26 तारीख को यहाँ गिनती होगी। चाचा क्या लगता है इस बार निरहुआ फिर से आ गए? भाई निरहुआ के विषय में तो नहीं हम लोग बता पाएंगे। अच्छा, किसके विषय में बताएंगे? सबके विषय में बताएंगे, जो हो गया हो। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी हो रहेगा यहाँ पे? क्योंकि देखिए दो साल बाकी, 2008 तीनों का बराबर है। अच्छा, लेकिन एक आदमी का निरहुआ ने कहा है कि जितना सारा काम, अगर पुल की बात करें, रोड की बात करें, तो मैंने जा करके बात किया है तो रोड बन रहा है, पुल बन रहा है। कहाँ पे? यही आजमगढ़ की बात करें। किस साइड में? अभी कल का बयान आया है निरहुआ का, उन्होंने कहा है कि जो भी रोड बना है आजमगढ़ में, बढ़िया से बढ़िया रोड पुल बना है, तो ये मेरी देन है। जब मैं नहीं रहा यहाँ पे कुछ भी, तभी भी यहाँ से काम मैं करवाया हूँ जाकर के। और जबकि अखिलेश का गढ़ माना जाता है, जबकि सपा का यहाँ गढ़ माना जाता है। निरहुआ के विषय में भाई देखिए, एक सुनने को आ रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी बनाया है। अच्छा, यहाँ पे गुड्डू जमाली भी आ गए। गुड्डू जमाली बसपा से टिकट लेकर के आ गए, और ये पिछले भी आईएमएम से जो मुबारकपुर से चुनाव लड़े थे, दो बार के पूर्व विधायक रहे हैं। कितना काम करवाया था इन्होंने, कुछ पता है आपको? अब करवाए होंगे, जिसके यहाँ करवाए होंगे उसके यहाँ ना। अच्छा। हम लोगों के यहाँ गरीबों के यहाँ तो नहीं पहुँचा। गरीबों के यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के यहाँ नहीं पहुँचा है। हाँ, पहुँचा है तो भाई जो लोग सबल हैं उनके यहाँ पहुँचा होगा। सपा की सरकार जब यहाँ रहती थी, यहाँ भी सपा के मुलायम सिंह भी रहे हैं, अखिलेश यादव भी रहे हैं, तो उनके जब उनका कार्यकाल रहा यहाँ पे, तो किस तरह का यहाँ माहौल रहता था? बढ़िया था। बढ़िया माहौल? हाँ, बढ़िया माहौल तो बढ़िया था। माहौल में हम लोग कमी नहीं, हम लोग ठेला लगाते हैं। अच्छा, ठेला वालों की, खास करके ठेला वालों की दिक्कतें होती हैं पूरी मार्केट में। हम लोग ठेला लगा के इधर से उधर अपना बेचते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती थी, तब भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती है, अब थोड़ा सा हो रही है। अब दिक्कत हो गई क्योंकि योगी जी ने तो लॉन्च कर दिया है कि रोड के किनारे अगर आप गाड़ी तक खड़ा करते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, गाड़ी पर से चल सकते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ठेला कहाँ से खड़ा होगा? दिक्कतें आएगी फिर यहाँ पे। निरहुआ का फिर से कहा दादा कहाँ के रहने वाले? यहीं के वोट देते हैं कि नहीं आप? देते हैं, देते हैं। पता है कि 23 तारीख को चुनाव होने जा रहा है यहाँ पे, उपचुनाव हो रहा है, फिर से वोटिंग होगी और लोकसभा का चोट पड़ेगा। तो किसकी सरकार बनने की तय है इस बार? वो अखिलेश की औरत की। अखिलेश की औरत नहीं आई है इस बार, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरकार, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है कि उनकी औरत डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, बसपा से हैं गुड्डू जमाली, और भाजपा से बात करें तो भाजपा से इस समय निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी निरहुआ चुनाव लड़े थे, दूसरी बार जीतते जाते हुआ था, हारते दूसरी बार भी चले गए, तो इस बार क्या अखिलेश ही जीतेंगे फिर? अखिलेश ही जीतेंगे। अच्छा, हाँ। क्या अच्छा लगता है उनका कार्यकाल में, क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। जैसे भले अच्छा लगता है। हाँ। क्या क्या सुविधा अच्छी लगती है उनके? बहुत सुविधा देते हैं। हाँ। हाँ। सुविधा बहुत कुछ देते हैं। हाँ। क्या भैया, क्या क्या सुविधा मिल जाता है? भैया हमको तो अखिलेश से और जो है कि सबसे बढ़िया है, सब लोग सबसे बढ़िया अखिलेश, सबसे बढ़िया अखिलेश, अखिलेश से गढ़ में अखिलेश की फिर से बात। अरे एकदम नंबर एक पे चलिए आप। अच्छा, हाँ बता दें आपको जानकारी के मुताबिक कि इस जो जिस आजमगढ़ जिले में हम मौजूद हैं, आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा है
और 10 विधानसभा में 10 की 10 सीट अखिलेश के खाते में गई है, जबकि अगर हम लोकसभा चुनाव के उपचुनाव की बात करें तो लोकसभा उपचुनाव में 5 सीटों पे 5 विधानसभा में यहाँ पे मतदान होने हैं 23 तारीख को। यहाँ पे लोगों का माहौल किस तरह से मूड बिगड़ रहा है, बन रहा है, जबकि बात करें इस बार लोगों का विचार है कि इस बार हम हीरो को देखेंगे, और क्योंकि हीरो को देखना भी जरूरी है, लोगों का सबसे बड़ा विचार रहा है। क्या चाचा, क्या लगता है इस बार हीरो आएंगे या फिर से नेता? चाचा के वोटर लिस्ट में नाम क्या चाचा, इस बार निरहुआ या कोई और? चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर गाड़ी चलाते हैं आप, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में किस किस चीजों का सामना करना पड़ता है? अगर कोई किसी की सरकार बनती है तो लोग मुद्दा चाहेंगे भैया गाड़ी चलाने वालों किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इस समय तो भाई प्रशासन थोड़ा टाइट है, कहीं फोटो खींच ले रहा है, पीछे से स्टैंड पे खड़ा होने नहीं दे रहा है, हाँ साइड कहाँ गाड़ी वाली जाएंगी। आज 30 साल से स्टैंड चल रहा है, यहाँ से लोग हटाओ, यहाँ ले जाओ, ना फोटो। अच्छा, मांग है कुछ आप लोगों की? नहीं भैया, हम चैनल के माध्यम से मांग करें कि नहीं, हम सरकार से कुछ मांग। हम तो यही चाहेंगे कहीं एक जगह हम लोग स्टैंड बनाए, वहाँ से अपना सवारी आए, अपना बैठा के लेके जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये होते हैं असली मुद्दे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबको कहीं ना कहीं दुख होते, कहीं ना कहीं किसी को खुशी भी है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, हम सठियाओं बाजार की बात करें, सठियाओं ब्लॉक भी पड़ता है ना, सठियाओं ब्लॉक में, और ये मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस जगह हम गाड़ी खड़ा करते हैं, प्रॉब्लम इस बात की आती है कि भैया कब कब चालान कट जाए पता भी नहीं चलता है। अगर ज़रूरत है तो कम से कम इस रोड को खाली कराए तो कहीं हमें स्टैंड दें। और क्या चाहिए आपको? बस, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए सुविधा? दिक्कतों का दिक्कतों सामना यही करना पड़ता है। क्या चाचा, यहीं के रहने वाले हैं, चुनाव होने हैं, आपको पता है कुछ? आजमगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, पता है? पता तो नहीं है सर, बताइए। उप चुनाव हो रहा है यहाँ पे 23 तारीख को, यहाँ पे लोकसभा का फिर से सीट सांसद वाली फिर चुनाव हो रहा है तो होने तो पता है कि नहीं आपको? नहीं पता नहीं है, अब बता आप जान गए कि आप वोट देना है 23 तारीख को, वोट देना है। यहाँ पे निरहुआ भी चुनाव लड़ रहे हैं, गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव, तीन लोगों का चेहरा मुख्य रूप से है। तो इस बार कौन आएगा, हीरो आएगा कि फिर नेता आएगा? ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता में तो आप भी है चाचा, आप भी वोट देते हैं। क्या लगता है किसको आना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। पाँच साल आठ साल यहाँ पे अखिलेश की सरकार रही है, यानी अखिलेश यहाँ पे सांसद रहे हैं, पिताजी उनके रहे, अखिलेश जी रहे, है ना, और फिर इसके विधानसभा की बात करें तो गुड्डू जमाली जी रहे। अब बताइए किसका अच्छा लगता है? जमाली जी कई बार हैं, अच्छा तो सफाई जमाली जी जो रहे 5 साल क्या किए हैं? पिछली बार 10 साल रहे, 5 साल में 10 साल, 10 साल रहे हैं या 15 साल जो भी रहे हैं जी, या चाहे अपना विधानसभा में जो भी अगर कुछ किए हैं तो मुबारकपुर यूनिवर्सिटी के लोग किए हैं, वहाँ किए हैं। यहाँ रोड पे, सड़क पे, या कहीं किसी घर कोई बात है, या कोई मैयत या कोई कुआ पड़ती है, किसके घर गए आए हैं? किसी घर नहीं जाते, कब जाते हैं वो? लेकिन अगर हम अखिलेश की बात करें चाचा, अखिलेश के बारे में बात करें तो वो भी तो कभी नहीं आते। अखिलेश यादव बड़े नेता है ना, वो वहाँ से वो चल के उनके प्रतिनिधि लोग यहाँ रहेंगे जाएंगे ना, अखिलेश यादव खुद तो चल के जाएंगे नहीं। अच्छा, मुद्दा क्या होना चाहिए अगर बात करें हम एक जानकारी के मुताबिक, मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा अखिलेश यादव की सरकार बने बस, चाहे वो कुछ भी करें। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार बने, चाहे कैसे भी हम लोग रह लेंगे, बस सीधा सिद्धांत ये है कि अगर बात करें चाचा, चुनाव होने हैं, पता है आपको? भैया पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग राय नहीं बनाए हैं। चुनाव होने हैं पता है कि नहीं, मैंने पूछा? पता है। कब चुनाव होगा पता है? उतना नहीं पता, लेकिन पता है कि नहीं, यहाँ पे इसी महीने 23 तारीख को चुनाव होने हैं, और सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं लोग, पता है कि नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग मूड भी नहीं बनाए हैं। अरे अब ये तो नहीं है कि आप वोट देने जाएंगे तो वोट के लिए मूड बनाना पड़ता है? अरे वोट तो देना ही है, वोट तो सबका अधिकार है, वोट तो सबका अधिकार है ना, लेकिन नहीं बनाए तो हम कैसे बताएं? लगता है कि लग रहा है ये वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि मत अधिकार एक है, और आपको अधिकार देना है, आपको वोट देने जाना होगा 23 तारीख को, यहाँ चुनाव वोट देने जाना है, ठीक है? इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। और पान वाले भैया मजे में है ना, आपको तो पता ही होगा कि इस बार यहाँ पे वोटिंग होने जा रही है जी। कब है यहाँ पे? 23 तारीख को जी।
23 तारीख को है ना जी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने की तैयारी? दोनों सरकार मजबूती में चल रही है। कौन कौन? सपा या बीजेपी? सपा और बीजेपी, यानी कि बसपा का कोई खाता नहीं खुलने वाला है? सपा कोई खाता नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसी मुबारकपुर में 10 साल से आपके जमाली जी विधायक रहे हैं, क्या किया इन्होंने आपको? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। क्या क्या करना चाहिए था? जब नहीं किया तो क्या बताया? मतलब आप युवा हैं, क्या क्या होना चाहिए विकास के लिए? कोई किसी को बताएगा कि विकास क्या करना है? फिर भी तो बताना चाहिए ना, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बता सकता। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कोई नहीं बता सकता। चलिए, हम इस समय मौजूद थे सठियाँ ब्लॉक पे तिराहे पर, जो यहाँ से मोहम्मदाबाद गोहना जाता है तो 10 किलोमीटर दूरी पर, मऊ जाते हैं तो 31 और असड़ा जाते हैं तो 67 किलो दूरी पर, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुबारकपुर विधानसभा है। वीडियो कैसी लगी है, इन लोगों की राय कैसी लगी है, कमेंट पर बताइएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए। शुक्रिया।